अऊज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू ई नॉन स्टॉप लर्निंग पोर्टल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट के एक पावरफुल सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। MS पावर पॉइंट हमारे प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंटेशन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि अगर हमने कोई भी बात दूसरे तक पहुँचानी हो और अगर वो GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के मुताबिक हो तो हमें समझने में और दूसरों को बात समझाने में ज़्यादा आसानी रहती है। और अगर के कहते हैं हमारा जो हम आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं अगर वो पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर हो तो हमारे पास हम ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न काम करना बहुत कम पड़ता है और हमारे पास तमाम ऑप्शन लिखी होती हैं और हमारा सारा फोकस एक्सप्लेनेशन पे होता है, ताकि हम अपनी बात को पूरे तरीके से नेक्स्ट पर्सन को अच्छे तरीके से समझा सकें। पावर पॉइंट ये स्लाइड बेस्ड सिस्टम है। स्लाइड हर स्लाइड पे क्या कहते हैं हम अपने हर किस्म का डाटा को शो कर सकते हैं। डाटा शो करने के बाद हम उस स्लाइड को जब हम चलाते हैं तो वो एक एनिमेशन की सूरत में हमारे सामने आ जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक स्लाइड ली। स्लाइड के बाद हमारे पास सब सिंपल आप देखेंगे फॉर्मेटिंग टूल हमारे वही हैं। एक सिंपल जब हम MS पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये एक इन्वायरमेंट ओपन होता है। हमारे पास एक नेक्स्ट फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं। जैसे टाइटल हम कर देते हैं जी ई नॉन स्टॉप कंप्यूटर कोर्सेस, ठीक है। सब टाइटल आ जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय फरहान अब्दुल कयूम, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये कहते हैं कि हमने स्लाइड बना ली। फर्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और न्यू स्लाइड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब न्यू स्लाइड हम किस तरीके की बनाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम आते हैं और हम टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड को हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम टाइटल लिख देते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कंप्यूटर, हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्ट। अपने कंप्यूटर स्टडी के अंदर जो हम सब्जेक्ट डील कर रहे हैं उसके अंदर उनके हम नाम लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे बेसिक IT, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ऑटो कैड, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। ये हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट नेम की जगह अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट हेडिंग अगर हम लिख दें तो कोर्स ऑफर, कोर्सेज ऑफर, हमारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं हम ये। इसके बाद अब देखें हम नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे डिटेल में हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया और न्यू स्लाइड पे जाते हैं। हम न्यू स्लाइड पे जाने के बाद यहाँ पे देखें हम लिख देते हैं सबसे पहले बेसिक IT। बेसिक IT की हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बेसिक IT में हम क्या क्या चीज़ें करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम फिर जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम यहाँ पे हम शो कर देते हैं हम वेब डेवलपमेंट। इसमें हम PHP, जावा, ASP, JSP, HTML, ठीक है। और फिर हम एक और स्लाइड बना लेते हैं
एक और स्लाइड बनाने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग जी। ग्राफिक डिजाइनिंग में हम यहाँ पे कोरल ड्रॉ इन पेज टॉप फोटोशॉप फ्लैश। ठीक है, हम एक और स्लाइड बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम करवा रहे हैं पीस्ट्री, क्विक बुक्स, टैली, सैज एंड एडवांस एक्सेल। ठीक है, अब ये देखें, हाँ ये हमने एक बेसिक सी स्लाइड बना ली जिसमें हम अपने कोर्स हम बताना चाह रहे थे कि हम कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं और किस किस तरीके से हम कर रहे हैं। अब हमने इस स्लाइड चलाने का जो तरीका कार है, हम यहाँ पर जाते हैं अपनी एनिमेशन में जाए स्लाइड शो और फ्रॉम द बिगनिंग स्लाइड शो, और इसकी शॉर्टकट की है F5। हम F5 प्रेस करते हैं या फिर हम यहाँ पे स्लाइड शो पे जाके क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरे पास एक स्लाइड ओपन हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं राइट एरो प्रेस करता जा रहा हूँ या फिर मैं कहीं पे भी अपनी स्क्रीन पे क्लिक करता जा रहा हूँ तो ये देखिए मेरे सामने। अब जैसे मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि हम ई नॉन स्टॉप कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम फरहान अब्दुल कयूम है। ठीक है, हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं बेसिक IT, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑटो कैड और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर हम बेसिक IT की बात करें तो बेसिक IT में हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करवा रहे हैं। वेब डेवलपमेंट में हम PHP, जावा, ASP, JSP, .NET और HTML प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम कोरल ड्रॉ, इन पेज, अडोब फोटोशॉप और फ्लैश 8 करवा रहे हैं। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम पीस्ट्री, क्विक बुक्स, टैली और सेज और एडवांस एक्सेल हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक अपनी प्रेजेंटेशन हम किसी दूसरे बंदे को हम दे सकते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि एक छोटी सी हमारी प्रेजेंटेशन भी तैयार हो गई है, इस प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे होम पे आते हैं और सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस करके हम जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारी प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। अब इस प्रेजेंटेशन को हम रन भी किया जा सकता है और F5 की मदद से इसको वापस चलाया भी जा सकता है। ये हमारी एक बेसिक पावर पॉइंट स्लाइड की मदद से हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी।